हेलो दोस्तों, आई एम सार्थक एंड यू आर वाचिंग बियॉन्ड लिमिट्स। So today we have with us Preethi Malyala. Preethi currently electrical engineering कर रही है IIT बॉम्बे से and in JEE Mains Preethi का percentile था 99.91. So like JEE Mains काफी पास आ चुकी है and now we all need कि फाइनल स्टेज में अपनी प्रिपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट करना है एंड व्हाट आर द लास्ट डेट टिप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स नो फ्रॉम प्रीति कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को लास्ट स्टेज में कैसे एग्जीक्यूट किया था। हेलो प्रीति। हेलो सार्थक, नाइस टू बी ऑन दिस शो। थैंक यू। सो प्रीति, बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी, सो लाइक व्हाट वाज योर एंटायर जर्नी, लाइक व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड कमिंग ऑन टू जेईई and like how did your whole journey of 2 years gone through? Okay, so basically मैंने 11th में start किया था coaching and at that time it was just a dream कि काश मैं जा पाऊँ IIT Bombay में and to be honest I wasn't very up to the mark. ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि मेरे grades बहुत खराब आते थे या score बहुत कम आता था, but इतना भी अच्छा नहीं था कि IIT Bombay में हो जाए. But then over the course of 2 years, it was a very gradual improvement. ऐसा टाइम तो हर स्टूडेंट के स्टेज में आता है कि जितना भी इम्प्रूव करने की कोशिश करो, मार्क्स नहीं बढ़ते हैं. ऐसा मेरे साथ भी हुआ था 11th के एंड में, 12th के बिगनिंग में. तो हाँ, बेसिकली ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इज ऑल आई वुड से. एंड हाँ, बाय द एंड ऑफ 2 years मेंस दिया था एंड हो गया था. एंड कमिंग टू मोटिवेशन, एक्चुअली मेरा स्कूल भी IIT बॉम्बे के अंदर ही था, तो हमेशा लगता था कि जाना चाहिए IIT बॉम्बे में, यहाँ पढ़ूँ तो कितना अच्छा लगता है. एंड ट्रस्ट मी, इट्स रियली गुड. तो हाँ, मेहनत करना पड़ता है फॉर गुड रिजल्ट्स. या ग्रेट. एंड लाइक इससे ये भी समझ आता है हमें कि फॉर गेटिंग इनटू IIT 10 तक आपका बैकग्राउंड क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द एफर्ट्स यू पुट इन दोस 2 or 3 इयर्स दैट मैटर्स. या एंड लाइक प्रीति, जैसे जो फेब्रुअरी अटेम्प्ट है वो काफ़ी क्लोज आ चुका है एंड नाउ बच्चे अपनी फाइनल फेज ऑफ प्रिपरेशन में है. सो लाइक आपने अपनी इस पीरियड ऑफ टाइम में अपनी प्रिपरेशन को कैसे एग्जीक्यूट किया था एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू डिड सो आपका इतना अच्छा परसेंटाइल बनाना? ओके, तो बेसिकली सिंस इतना पास आ चुका है अभी इस टाइम पे, आई वुड सजेस्ट कि जस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जितना हो सके करो. सॉल्व क्वालिटी पेपर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे टफ पेपर्स सॉल्व करो, ट्राई टू यू नो एक्सप्लोर न्यू क्वेश्चंस, ऐसा मत करो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है एंड इस टाइम पे इट इज़ नॉट गुड. तो बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस तो वही प्रीवियस ईयर पेपर से आते हैं. एंड ऑल्सो व्हाट आई डिड वाज, इस टाइम पे यूजुअली जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, स्पेशली केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक वाले जो हैं, वो याद रखने के लिए मुश्किल हो जाते हैं. तो ऑलमोस्ट एवरी डे मेरा रिविजन चलता था कि मैं सुबह स्टार्ट करने से पहले मेरे इंस्टीट्यूट में ऑब्वियसली व्हाइट बोर्ड होता था, तो मैं सब कुछ जाके एक बार लिख देती थी व्हाइट बोर्ड में जल्दी जाकर. तो अभी वो तो नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट नोटबुक में नोट डाउन कर लो. ट्राई टू राइट एवरीथिंग डाउन ताकि उससे बेटर मेमोरी होती है. पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या थी, लाइक व्हाट डिड द ऑर्डर डिड यू फॉलो? एंड लाइक दोस्तों, मैं आपको पर्टिकुलरली बताना चाहूँगा कि प्रीति का मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड हर परसेंटाइल इन मैथ्स वाज 99.99. सो बेसिकली यू कैन गेस कि हाउ गुड शी इज एट मैथ्स. So basically, how did you tackle maths and like both other subjects also on the day of the examination? Yeah, this is a very important aspect exam में कि paper attempt कैसे कर रहे हो. तो इसमें जो first around 15 minutes half an hour होता है, तो बहुत stressed up होते हैं लोग कि this is the main exam, हम जिसके लिए 2 साल prepare किए हुए हैं, we have to give our best today. तो जो उस टाइम पे यू हैव टू अटेम्प्ट द इजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ द पेपर ताकि वो थोड़ा एंजाइटी कम हो जाए, ठीक है. एंड मेरा स्पेशली आई यूज्ड टू गो थ्रू द एंटायर पेपर फर्स्ट, अराउंड 5-10 मिनट्स में ख़त्म कर दो वो. एंड जो भी ईजियर क्वेश्चंस दिख रहे हैं बहुत सिंपल वाले, वो कर लो. ठीक है। तो मेरा यूजुअली मैं पहले केमिस्ट्री करती थी एंड देन फिजिक्स एंड मैथ्स। जैसे सार्थक ने बोला मेरा मैथ्स पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, तो मैथ्स हमेशा मैं लास्ट में रखती थी कि आराम से टाइम मिल जाए, मैं अच्छे से सारे क्वेश्चंस एक बार कर दूंगी। तो यूजुअली लोगों का होता है कि केमिस्ट्री फर्स्ट करते हैं, बट जनरल ओपिनियन से अपना ये डिसाइड मत करो। अब तक तो तुम लोगों को कर लेना चाहिए था एक बार कि सारे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजीज कर लो, बट अगर नहीं किया हो तो भी इट इज़ गुड कि ट्राई करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग को कौन सा सूट हो रहा है बेस्ट एंड गो विथ इट। एंड आई थिंक वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में सार्थक ने ये भी बोला था कि एटलीस्ट 10 पेपर्स कर लेना चाहिए कि वॉट यू आर डूइंग इन द फाइनल ऑन द फाइनल डे। तो दैट इज़ रियली करेक्ट, जितना पेपर्स हो सके कर लेना चाहिए। एंड हाँ, बेसिकली मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगी कि यू हैव टू हैव द टाइम टू रिविजिट द पेपर अगेन, ठीक है। जैसे मेरा अराउंड 1.5 hours में एक बार सारे इजी एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हो जाते थे एंड अगेन आई यूज्ड टू कम टू द एंटायर पेपर सारे एक बार द मीडियम एंड टफर क्वेश्चंस के साइड पे। ओके ओके। एंड प्रीति, बेसिकली मैथ्स में कुछ पर्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी कैलकुलेटिव होते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, एंड बेसिकली अगर कोई बच्चा उनमें ट्रैप हो जाता है तो इट टेक्स अराउंड 10 to 15 minutes ऑफ देयर टाइम, एंड देन जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है उसमें लाइक बाकी का पूरा पेपर बिगड़ जाता है। सो लाइक हाउ डिड यू टैकल दोज क्वेश्चंस इन पर्टिकुलरली इन मैथ्स? राइट, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हमेशा होते ही हैं जिसमें टाइम लग जाता है। तो हाँ, बेसिकली जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं तो यू गेट एन आइडिया कि कौन से टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स में ईजियर क्वेश्चंस आते हैं। एक तो स्पेशली सिस्टम ऑफ प्लेन्स में देयर इज ऑलवेज जनरली अ क्वेश्चन जो स्कोरिंग होता है इफ यू नो द कॉन्सेप्ट थॉरली। तो आई वुड सजेस्ट कि वो एक बार अच्छे से कर लो, सारे केसेस देख लो कि किस में लाइंस ऑफ प्लेन्स पैरेलल होते हैं, जिसमें इंटरसेक्टिंग होते हैं सारे। एंड ऑल्सो प्रोबेबिलिटी पर भी यूजली एक क्वेश्चन आ जाता है जो विच इज यूजली सिंपल, बट अगर डिफिकल्ट आता है तो बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। तो इट इज बेटर कि प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस एक बार देख लो, अगर नहीं होता है तो इमीडिएटली उसे छोड़ दो एंड उसको एक्सट्रीमली लास्ट पे रखो। एंड अदरवाइज या मोर देन 5 minutes फर्स्ट अटेम्प्ट पे किसी भी क्वेश्चन को मत देना। बस। ओके, या सो बेसिकली वी नीड टू टेक आउट फ्रॉम दिस कि कुछ टॉपिक्स हमारे दिमाग में पहले से क्लियर होने चाहिए जो हमारे वीक है या फिर जिनसे जनरली टफ क्वेश्चंस या कैलकुलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन पास, सो बिकॉज उनकी इन फ्यूचर टफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा। या प्रीति, ओके, ग्रेट स्टफ प्रीति। सो प्रीति, लाइक आई वांटेड टू नो कि लाइक कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली सब मेंस में पूछे जाते हैं एंड वो एडवांस में नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट्स में भी उनको इतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता एंड इस कारण से कई बार हम भी उनको स्किप कर देते हैं। सो लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट एंड लाइक हाउ डिड यू प्रिपेयर दोस टॉपिक्स? राइट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये तो सही है कि इंस्टीट्यूट में सब ये यू नो लास्ट के लिए रख देते हैं या यूजुअली कुछ होता नहीं है, बट दीज टॉपिक्स काफ़ी सिंपल होते हैं। एक बार NCERT पढ़ लो तो यू विल बी रेडी टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन द पेपर। एंड यूजुअली ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो जैसे मैंने कहा था राइट डाउन एंड सी, तो ये लास्ट कुछ दिन ये कर सकते हो कि एक्स्ट्रा टॉपिक्स दो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इसको स्किप मत करो, क्योंकि a large portion of the paper is on these extra topics जो advance के लिए नहीं है, सिर्फ mains के लिए हैं। and काफ़ी scoring भी होते हैं, once you read it you can answer it, तो हाँ, इस पे ध्यान दो। Okay, yeah, sure. and like इनसे मतलब मैंने अपने जो past experience है उनसे ये note किया है कि इनसे question ज़रूर आता है and वो काफ़ी easy होता है, like if you have gone through these topics once तो आप वो बना लेंगे। so yeah, definitely it's advisable कि आप उन topics को कर लें अच्छे से। And now coming on to next question, Preeti. So like basically कुछ बच्चों का papers later shifts में होगा and like कुछ papers उनके पहले हो जाएंगे, so उनके कहीं ना कहीं दूसरे coaching institutes है या like in news reviews and analysis and question papers आना चालू हो जाते हैं। So like according to you, like वो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? Because ये भी एक बड़ा डाउट रहता है, लाइक एंजाइटी तो रहती है हर स्टूडेंट को, बिकॉज एग्जाम इज कमिंग, सो दे वांटेड टू नो. So, like, did you saw them and like, what were your views on it? Right. So basically, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो तो फिर देख लो एक बार पेपर, यू गेट अ जनरल आइडिया कि इस साल का कैसा चल रहा है, क्या आ रहा है. बट अदरवाइज अगर कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो, लग रहा है कि इसमें इतने सारे क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे तो क्या करूँगी मैं, अगर ऐसा लग रहा है तो मत देखो पेपर. एंड रादर देन टू इंटरनेट पे सारे रिव्यूज आते हैं कि ईजी था या डिफिकल्ट था, या फिर जो भी यू नो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट देते हैं, उससे बेटर ये है कि अपने टीचर से कॉल करो एंड पूछो कि कैसा है, बिकॉज टीचर्स को देखते ही हैं पेपर्स की कैसा चल रहा है, एंड दे वुड हैव अ गुड ओपिनियन कि दे वुड नो यू कि तुम कितने लेवल पे कर पाते हो, एंड दे वुड टेल यू अकॉर्डिंगली. ऐसा नहीं है कि कोई भी पेपर को ईजी कह दे वो, अगर तुम्हें वो डिफिकल्ट लग सकता है तो कह देंगे कि उतना भी ईजी नहीं है, तो फिर यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, रादर देन थिंकिंग कि अरे हाँ इस बार काफ़ी ईजी है, एंड देन उस टाइम पे यू गेट अ सरप्राइज किया, अरे बाप रे ये क्या पेपर है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटर कंसल्ट योर टीचर्स रादर देन इंटरनेट पे जो रिव्यूज आते हैं उसके लिए. ओके, या सो लाइक वी शुड ट्राई बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग आवर मेंटर्स, एंड उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जब अगर हम अच्छे हैं तो उसमें पूछ सकते हैं. यस प्रीति. सो या प्रीति, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि लाइक जैसे इस साल जेईई मेंस में 4 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक डिलेमा चल रहा है कि लाइक फरवरी वाला अटेम्प्ट थोड़ा ठीक से ना दे या फिर स्किप कर दें बेसिकली, एंड लेटर अटेम्प्ट पे फोकस करें. एंड पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो जेईई एडवांस पे फोकस कर रहे हैं एंड दे वांट टू गेट इनटू आईआईटी. सो लाइक उनके लिए ये अटेम्प्ट कितना इम्पोर्टेंट है, एंड शुड दे फोकस ऑन लेटर अटेम्प्ट्स और नॉट, एंड लाइक व्हाट आर योर व्यूज ऑन. Okay, so I would suggest कि सब लोग, not only those who are preparing for advanced and basically वो IIT Bombay के लिए, IIT you know older IITs के लिए focus करें, वो ही नहीं, सब लोगों को यही मान के चलना चाहिए कि later attempts नहीं दे रहे हैं. You have to give your best in this attempt, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है कि अगले attempts बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए या फिर कोई ना कोई problem तो हो ही सकता है. You can never predict it. तो जो अभी कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, गिव योर बेस्ट, बट ऑल्सो बाकी अटेम्प्ट्स को स्किप मत करना. ऑल्सो ये भी हो कि वो सिंपलर आ जाए, शायद उसमें ज़्यादा सफरिंग हो. ये मान के चलो कि नहीं दे रहे हो अभी, ये मान के चलो, बट अटेम्प्ट दे आर इम्पोर्टेंट. ओके ओके, सो लाइक फरवरी वाले अटेम्प्ट्स में हमें हमारा बेस्ट शॉट देना है, एंड लाइक लेटर अटेम्प्ट्स हम एज अ प्रैक्टिस बिल्कुल दे सकते हैं. ओके ओके, लाइक ग्रेट स्टफ प्रीति, लाइक इट वाज लाइक रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू, बट स्टिल लाइक ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स हमें रैप अप करना पड़ेगा, बट स्टिल लाइक व्हाट इज सम एडवाइस लाइक दैट यू वांट टू गिव टू स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक जेईई मेंस या जेईई एडवांस के लिए. गर्ल स्टूडेंट्स के रिलेटेड काफी प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप्स सब कुछ बन जाते हैं, एंड माई एडवाइसेस, इन सबको कोई ध्यान मत दो, जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर स्टडीइंग. एंड ऑल्सो ये मत सोचना कि बॉयज़ की ये एडवांटेजेस है हमारे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है. यू हैव बीन प्रिपेयरिंग अलॉन्ग विद देम फॉर 2 years, एंड फाइनल डे पर भी यू विल बी गिविंग एग्जाम अलॉन्ग विद देम. तो ऐसा नहीं है, गिव योर बेस्ट शॉट, एंड हमेशा ये टारगेट मत रखो कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स के गर्ल्स में फर्स्ट आऊँगी, ऐसा मत सोचो. यू हैव टू थिंक कि मेरे जो सारे फ्रेंड सर्कल है उनमें मैं आई विल बी द बेस्ट. या सो लाइक एवरी एस्पिरेंट इज इक्वल, एंड लाइक इफ प्रीति कैन डू सो लाइक यू आल्सो कैन डू, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो प्रीति, लाइक फाइनली एनी लास्ट डेट टिप्स या जो कुछ स्ट्रैटेजी आप बताना चाहोगी बेसिकली एस्पिरेंट्स को जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन to avoid panic and like manage their time well. Right. So basically first and foremost thing is उसके जिस दिन एग्जाम है पहले दिन रात को अच्छे से सोना, ऐसे देर तक मत पढ़ना. What you have done for 2 years is enough. उस दिन रात को और कुछ करने की जरूरत नहीं है. and basically also अभी it's high time कि you start setting your biological clock and also जिस time पर जो shift है उसी time पर exams देना start करो. For example अगर evening shift है तो उसी time पर give the exams और mock test and भी है. And उसमें stay as calm as possible. अभी तुम लोग का like अभी before the exam तुम लोग का ये mindset रहना चाहिए कि there is a lot more to read. ठीक है, बहुत है पढ़ने के लिए, बट उस दिन सुबह से यू हैव टू थिंक कि हाँ आई एम द बेस्ट. ये माइंडसेट लेके चलो कि आई एम द बेस्ट, मुझे कोई हरा नहीं सकता, एंड डू योर बेस्ट. ओके, या या ग्रेट ग्रेट प्रीति. एंड लाइक माय पर्टिकुलरली माय मेंटर यूज्ड टू से कि वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अगर किसी एक बच्चे का भी होगा सो वो मेरा होगा. सो इस टाइप लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा, सो श्योरली यू विल गिव इट योर बेस्ट शॉट. So like thanks a lot Preethi for being here. Yeah, thank you Saarthak ki mujhe bhi opportunity diya. I could share my views and also all the best to everyone who's listening this. Must for dena paper. Yeah, so all the best guys, do your best and like comment section mein batana aake ki aapne kaisa kara paper and like kuch bhi aur dikkat aaye so you can write it in comment box. मैं जरूर से उसको आंसर करूँगा एंड हो सका तो वीडियो भी बना दूंगा. सो लाइक गाइज इफ यू लाइक द वीडियो डू मेक श्योर लाइक यू हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बियॉन्ड लिमिट्स एंड खूब पढ़ो यार और मजा.